हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुणाव और आज हम बात करेंगे लेजर सेक के बारे में। लेजर सेक की अगर जबी भी बात की जाए, एब्डोमिनल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो लेजर सेक है वो लेजर सेक क्या होता है। तो लेजर सेक इट इज अ लार्जर रेसेस ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। जो पेरिटोनियम कैविटी है उसका एक लार्जेस्ट रेसेस है लेजर सेक, और इट इज अ क्लोज ऑल अराउंड एक्सेप्ट द अपर पार्ट ऑफ अ राइट बॉर्डर वेर अ ग्रेटर सेक कैन बी आल्सो कम्युनिकेटेड थ्रू एपिप्लॉइड फोरामेन। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो लेजर सेक है ना, ये लेजर सेक क्या है कि एक लार्ज रेसेस है हमारी पेरिटोनियम कैविटी का, जो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर अराउंड होता है, और इसके बिहाइंड में एक लीवर का कॉर्डेट लोब, हमारा स्टोमक, और ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये जनरली इंक्लूड होता है। और इसके अंदर जो ग्रेटर ओमेंटम से ये जो कम्युनिकेट करता है, ये किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है, ये हमारा एपिप्लॉइड फोरामेन के द्वारा कम्युनिकेट करता है। उसके बाद में इसको ओमेंटम बर्सा भी बोला जाता है लेजर सेक को। किसी क्वेश्चन के अंदर ओमेंटम बर्सा पूछ ले तभी लेजर सेक की बात हो रही है। उसके बाद में ये इसका सजाइटल सेक्शन है और ये इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। इसकी बाउंड्री देखेंगे, ये इसका सजाइटल सेक्शन है तो ये वाली साइड एंटीरियर साइड हुई और ये वाली साइड इसकी पोस्टीरियर साइड हुई। अगर ये इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है तो ये वाली इसकी एंटीरियर साइड हुई, ये वाली पोस्टीरियर हुई, ये राइट और ये लेफ्ट एनाटॉमिकल पोजिशन है। सबसे पहले बाउंड्री देख लेता हूं। एंटीरियर अगर बात करें तो एंटीरियर पे देखो सबसे पहले क्या है कि फर्स्टली क्या है कि पेरिटोनियम है वो हमारे लिवर के कॉर्डेट लोब से कवर हो रहा है सबसे पहले, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये पोस्टीरियर लेयर है हमारे यहाँ पे लेजर ओमेंटम की। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेजर ओमेंटम बनाता है उसके बाद में इसकी बाउंड्री। फिर उसके बाद में यहाँ पे थर्ड अगर बात की जाए तो पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक, पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक हो गया। फिर उसके बाद में हमारे अगर ग्रेटर ओमेंटम की बात की जाए तो चार लेयर होती है ग्रेटर ओमेंटम की, जिनमें से जो एंटीरियर बाउंड्री बनाती है वो इसकी सेकंड लेयर होती है ग्रेटर ओमेंटम की, वो इसकी बाउंड्री बनाती है एंटीरियर लेयर की। ये तो हुई हमारे एंटीरियर साइड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले जो एंटीरियर बाउंड्री बनाता है वो बनाता है कि पेरिटोनियम, जो हमारे लिवर है, लिवर का जो कॉर्डेट लोब है वो पेरिटोनियम है जो कवरिंग करता है लिवर के कॉर्डेट लोब को, वो बनाता है। सेकंड पोस्टीरियर लेजर सेक की बनाती है। थर्ड जो स्टोमक है जो पेरिटोनियम में जो कवरिंग होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक के, और उसके बाद में जो सेकंड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम है ये बनाता है इसकी एंटीरियर बाउंड्री। तो चार तरह के जो स्ट्रक्चर है इनकी एंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं लेजर सेक की। अब उसके बाद में पोस्टीरियर बाउंड्री की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर के अंदर सबसे पहले ये वाले की अगर बात करो, ये यहाँ पे, तो ये एक थर्ड लेयर है हमारे ग्रेटर ओमेंटम की यहाँ पे। ये जनरली अगर बात करूं यहां पे ये थर्ड लेयर है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहां पे अगर बात करो सेकेंडली अगर बात की जाए तो पेरिटोनियम में जो कवरिंग होता है एंटीरियर सुपीरियर ट्रांसवर्सल कोलन, करेक्ट, ट्रांसवर्सल कोलन होता है वो बनाता है। उसके बाद में जो थर्ड अगर बात करो तो जो स्ट्रक्चर है जो स्टोमक बेड बनाते हैं वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है लेजर सेक की, एक्सेप्ट है स्प्लीन। स्प्लीन यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि स्टोमक बेड है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो भी देख लेता हूं। उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूं, एक निमोनिक्स है उसके लिए भी, वो भी बता देता हूँ आपको कि स्टोमक बेड है। कभी कभी हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टोमक बेड के अंदर कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो स्टोमक बेड के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके लिए मैं एक निमोनिक्स लाया हूँ, वो देख लेते हैं। निमोनिक्स कुछ ये है, डॉक्टर सरदार सिंह सेव अ पेशेंट प्लस लेफ्ट थीम अलोन। डॉक्टर से है डायफ्राम, सरदार से है स्प्लेनिक आर्टरी, सिंह से है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, सेव से है सुप्रा रीनल ग्लैंड और लेफ्ट साइड की सुप्रा रीनल ग्लैंड किडनी, और पेशेंट से है पैनक्रियास, लेफ्ट से है लेफ्ट किडनी, और थीम से है ट्रांसवर्सल मेसोकोलम। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हुए डायफ्राम, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, सुप्रा रीनल ग्लैंड लेफ्ट साइड की, पैनक्रियास लेफ्ट किडनी, ट्रांसवर्सल मेसोकोलम,
ये सारे के सारे हमारे स्टोमक बेड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो इसकी जो पोस्टेरियर बाउंड्री बनाती है, इसके अंदर स्टोमक बेड के सारे स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, स्प्लीन इंक्लूड नहीं होती, बाकी सारे इंक्लूड होते हैं। अब यार स्प्लीन क्यों नहीं होती? स्प्लीन यार इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या होता है कि ये क्या है, यहाँ पे एक गेस्टो स्प्लेनिक लिगा, यहाँ पे क्या है, ये हमारे स्टोमक है और ये हमारी स्प्लीनिंग है। तो स्टोमक है वो, और जो इनके बीच में क्या है, यहाँ पे एक ग्रेटर, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ग्रेटर मोमेंटम आ जाता है जो इनको सेपरेट कर देता है, इसकी वजह से ये इंक्लूड नहीं हो पाती। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये स्टोमक बेड के सारे स्ट्रक्चर है, देखो इसके अंदर पैनक्रियाज भी है, ये इस साइड में ये डायफ्राम हो गया यहाँ पे T12 लेवल पे, और उसके बाद में ये किडनी है, तो लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड हो गई, और यहाँ पे अगर बात की जाए ये एक ट्रांसवर्सल कोलन है, तो स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन भी हो जाएगा, और ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल मेजो कोलन भी हो जाएगा, और उसके बाद में पेनक्रियाज हो ही गया और डायफ्राम हो ही गया। स्प्लेनिक आर्टरी की अगर बात की जाए तो ये स्प्लेनिक आर्टरी है वो तो इंक्लूड होती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि स्प्लेन तो इंक्लूड होती नहीं है ना, तो वो एक्सेप्ट है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करूँ, ये वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, ये एक लीवर का कॉर्डेड लोब है, लीवर का कॉर्डेड लोब, इसके अंदर भी ये बाइल डक्ट है, ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है, ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है, और ये हमारा स्टोमक है, ये लेजर सेक है, ये ओल्टा है, यहाँ पे ये किडनी है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, कुछ इस तरह से है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हो गेस्ट्रा स्प्लेनिक लिगामेंट है और यहाँ पे है लीनो रीनल लिगामेंट, करेक्ट। उसके बाद में अपन देख लेते हैं इसके जो सब डिवीजन और रेसेस के बारे में, तो जो सब डिवीजन और जो रेसेस है वो राइट, इसके सब डिवीजन और रेसेस राइट और लेफ्ट गेस्ट्रो पैनक्रेटिक फोल्ड बनाता है। सबसे पहले मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में थ्योरी बताऊंगा। तो इसके जो रेसेस है वो तीन तरह के रेसेस होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर और स्प्लेनिक। सुपीरियर है ये हमारा लेजर सेक, और जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ये यहाँ पे, ये ग्रेटर, ये लेजर सेक हो गया, और ये हमारा लीवर है, सॉरी ये लेजर सेक और ये लीवर, लीवर का कॉर्डेट लोब है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक इसका रेसेस, ये वाला जो मैंने येलो कलर से शो कर रखा है, थोड़ा दिख रहा होगा आपको येलो कलर से ये वाली लाइन, तो यहाँ पे बनता है इसका एक सुपीरियर रेसेस, करेक्ट। उसके बाद में हमारा जो इन्फीरियर रेसेस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो बिहाइंड स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड में, और ग्रेटर ओमेंटम के, यहाँ ग्रेटर ओमेंटम है ना, ये चार लेयर होती है इसकी, सेकेंड लेयर है ये, तो ये ग्रेटर ओमेंटम और जो स्टोमक के बिहाइंड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेकंड वाली येलो कलर की लाइन है, ये एक इन्फीरियर रेसेस है। उसके बाद में एक रेसेस और होता है स्प्लेनिक रेसेस, वो स्प्लेनिक रेसेस हमारे गेस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट और लीनो रीनल लिगामेंट के बीच में प्रेजेंट होता है इस जगह पे, ये लीनो रीनल लिगामेंट है, करेक्ट। तो पहले लीनो है फिर रीनल है, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले रीनल कर दो और बाद में ये कर दो कुछ तो गलत हो जाएगा, लीनो रीनल लिगामेंट है, तो ये यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट या एक स्प्लीनिक रेसेस यहाँ प्रेजेंट होता है। तो अब इस डायग्राम की अगर बात करूँ, हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर शो करूँ, तो ये वाला हो गया एक क्या, ये तो हो गया स्प्लीनिक रेसेस, ये हो गया क्या इन्फीरियर, इन्फीरियर जो हमारे स्टोमक, ये स्टोमक है, ये स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड, और ग्रेटर जो ओमेंटम है उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो सुपीरियर है वो बिहाइंड लेजर सेक, और यहाँ पे लीवर है, लीवर इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर का एक कॉर्डेट लोब है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका लाइन डायग्राम, अगर बात करूँ ना, मैं लाइन डायग्राम बता दूंगा आपको, एक बार लाइन डायग्राम बता देता हूँ, उससे ईजी होगा। ये इसका लाइन डायग्राम है, ये एक ओमेंटम बरसा है, इसके पीछे इधर एपिप्लाई फोरामेन है, ऊपर की तरफ अगर बात करूं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक सुपीरियर प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था, और नीचे की तरफ एक क्या है, एक इन्फीरियर रेसेस, और आगे जाके चल के यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे चल के क्या था, एक तरह का स्प्लीनिक, तो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद में इसके क्लिनिकल भी देख लेते हैं कि होता क्या है, कि अगर मान लो ड्यू टू डायलेट के नोट, अगर ये डायलेट नहीं होता, करेक्ट, तो जो ये हमारे जो लेजर सेक होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कंटिन्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है
कि एक इंटरनल हर्निया हो जाता है। तो इसका जो क्लिनिकल अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो लेजर सेक का जो क्लिनिकल है वो है इंटरनल हर्निया, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने लेजर सेक की बाउंड्रीज और इसके जो एंटेरियर बाउंड्री कौन बनाती है, पोस्टेरियर बाउंड्री कौन बनाती है, इसके सब डिविजन रेसेस के बारे में बात की, इसके सजाइटल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन को डिटेल में बताया और ये बताया इसके डेफिनेशन की, लेजर सेक की डेफिनेशन क्या होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू।